डियर फ्रेंड, मैं प्रोफेसर मुकेश शिंदे आपके लिए एक बार फिर से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज का जो क्वेश्चन है उसमें एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है और जो जिसका जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है और 50 mm डायमीटर का उसका डायमीटर है और वो फ्रंट के अंदर एक एलिप्स दिखती है जिसकी एलिप्स जो है जिसकी मेजर एक्सिस जो है 50 mm है और माइनर एक्सिस जो है वो 30 mm है। मतलब प्लेट को वीपी से इतना टिल्ट करना है, इतना इंक्लाइन करना है कि फ्रंट व्यू के अंदर वो जो एलिप्स दिख रहा है उसकी जो मेजर एक्सिस है वो 30 हो जाए, मेजर एक्सिस 50 हो जाए और माइनर एक्सिस 30 हो जाए, इतना टिल्ट करना है। और उसका हमको टॉप व्यू का एंगल भी निकालना है कि कितने डिग्री इंक्लाइन करने पर ये एलिप्स हमको नजर आ रहा है, मतलब वो सर्कुलर प्लेट को कितने डिग्री वीपी से इंक्लाइन करेंगे तो फ्रंट के अंदर एक एलिप्स दिखेगा जिसकी मेजर एक्सिस 50 हो और माइनर एक्सिस कितनी होना चाहिए 30। और थर्ड पोजीशन में फिर उसने बोला है कि उसकी जो मेजर एक्सिस है उसको आप हॉरिजॉन्टल कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल करने के बाद इसको आपको ड्रॉ करना है। तो एक ये इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक्सवा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि एक्सवा लाइन तो हमें ड्रॉ करना ही चाहिए सबसे पहले। और एक्सवा लाइन हमने यहाँ पर ये आपके बीच में मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए ये यहाँ से मैं एक्सवा लाइन आपके बना देता हूँ। इस तरह से आपको एक्सवा लाइन यहाँ बनाना चाहिए और एक्सवा लाइन बनाने के बाद यहाँ हम नॉमिक्लेचर कर देते हैं इसका। ये आपका X है और ये आपका Y है। अब हमको क्या करना है कि XY तो हमने बना लिया, अब XY बनाने के बाद हमको बनाना होगा दोस्तों सर्कल। सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा 25 का रेडियस ले लिया, यहाँ पर स्केल से हमने यहाँ पर मेजर कर लिया कितना 25 mm। ये 25 का हम यहाँ पर इस तरह से ये 25 हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये 25 इस तरह से रेडियस ले लिया। और 25 का रेडियस लेने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद एक सर्कल यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूँ। इस तरह से ये हमको सर्कल को ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसके हमको डिवीजन करने पड़ेंगे और डिवीजन करने के लिए जैसे सर्कल है तो सर्कल का डिवीजन कितने करना है, 8 अगर करना है आपको तो आपको डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगी 45 डिग्री और अगर आपको 12 डिवीजन करना है तो 33 डिग्री पे आप कर सकते हैं या एक सिंपल सा मेथड भी है जो डिवाइडर की मदद से आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको 8 डिवीजन करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैंने 8 डिवीजन कर लिया। अब 8 डिवीजन करने के बाद जितने डिवीजन्स हुए सारे डिवीजन्स के ऊपर मैं नॉमिक्लेचर कर लेता हूँ। इस तरह से नॉमिक्लेचर करने के लिए मैंने क्या करा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश और एच डैश। अब इनके सारे प्रोजेक्टर्स मैंने यहाँ से एक्स वाई लाइन पे ड्रॉ कर लिए। यहाँ से सारे प्रोजेक्टर मैंने यहाँ से इस तरह से एक्स वाई लाइन पे मैंने ट्रांसफर कर लिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सारे प्रोजेक्टर थोड़ा हल्के होना चाहिए और सारे प्रोजेक्टर मैंने यहाँ से एक्स वाई लाइन पे इस तरह से ड्रॉ कर लिए। और प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये एक्स वाई में जो पॉइंट्स आए इन सारे पॉइंट्स को मुझे मिलाना होगा। इस तरह से कुछ पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट ए है, ए से आया, बी और एच है, सी और जी है और ये डी और एफ है और लास्ट में ये ई है। इन सारे पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पर ये एक्स वाई लाइन पे आपको इस तरह से बनाना होगा। तो दोस्तों ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब फर्स्ट स्टेप के बाद थोड़ा सा प्रोजेक्टर जो है ओरिजिनल ड्राइंग से थोड़े से हल्के होना चाहिए।
अब सेकेंड स्टेप हमको ड्रॉ करनी है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अभी हम क्या करते थे, इसके पहले जितने भी प्लेन के क्वेश्चन हमने ड्रॉ किए उसमें जो ये प्लेट दे रखी है, इस प्लेट को हम यहाँ पर इंक्लाइन करते थे किसी एंगल पे, क्योंकि ये वीपी का एंगल हो जाता, और फिर यहाँ पे जो डायग्राम आता वो इसके और उसके इंटरसेक्शन से बनाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, इस क्वेश्चन में यही खास बात है कि उसके टॉफी को प्रोजेक्ट करना है, मतलब इसको इतना, इस प्लेट को, ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट को आपको यहाँ पर इतना इंक्लाइन करना है, इतना इंक्लाइन करना है कि यहाँ से देखने पर, मतलब इस जगह से फ्रंट व्यू से देखने पर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एलिप्स, ये एलिप्स आपका 50 दिख, ये तो यहाँ से 50 तो आ ही जाएगा, लेकिन ये कितना होना चाहिए 30, मतलब इस प्लेट को इतना इंक्लाइन करो कि इसकी जो लेंथ, ये डायमीटर की लेंथ 50 से कितनी हो जाए 30। तो मैंने यहाँ से क्या करा, सबसे पहले मैं, अब पहले हम क्वेश्चनों में क्या करते थे, यहाँ से पहले ये ड्रॉ करते थे फिर ये ड्रॉ करते, यहाँ थोड़ा सिक्वेंस चेंज हो गया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट व्यू के पास में एक एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ किया, फ्रंट व्यू के पास में हमने क्या करा, इसके प्रोजेक्टर सारे यहाँ से मैंने इस तरफ ले लिए, ये देखिए ये यहाँ से सारे प्रोजेक्टर्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ बना लिए, और ये सारे प्रोजेक्टर यहाँ लेने के बाद अब देखिए यहाँ से मेरे पास मेजर एक्सिस तो आ गई, ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई, ये मेजर एक्सिस कितने की हो गई, ये मेजर एक्सिस हो गई 50 की, जो कि यहीं से ट्रांसफर हुई, मतलब इस जगह से दोनों जगह से ट्रांसफर हुई। अब इसका सेंटर लिया, जो सेंटर था ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट को मैं यहाँ लाया और यहाँ से मैंने कितना मेजर किया 30 है, मतलब दोनों तरफ कितना कितना ले लिया 15 15, मतलब यहाँ से मैंने 15 इस तरफ लिया और 15 इस तरफ लिया, दो पॉइंट और आ गए मेरे पास। अब आप देखेंगे मेरे पास कितने पॉइंट हो गए, दो पॉइंट ऊपर से आ गए और ये दोनों पॉइंट और दो पॉइंट यहाँ से आ गए, मेजर एक्सिस भी आ गई और माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस हम मैं लिख देता हूँ कितने की होना चाहिए 30 की, 30 थी इसलिए मैंने सेंटर से 15 15 दोनों साइड ले लिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैं चार पॉइंट पे एलिप्स ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करा, यहाँ से इसके प्रोजेक्टर को नीचे लिया, इस पॉइंट के प्रोजेक्टर को यहाँ से मैंने इस तरह से नीचे लिया और इस तरह के इस लास्ट वाले प्रोजेक्टर को भी यहाँ पर, मतलब मेरे पास टोटल जो इसकी जो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने यहाँ पर 30 के बराबर कर लिया जो 50 थी। अब एंगल कितना टिल्ट करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इस जगह से इस प्लेट को डिवाइडर की मदद से मेजर कर लेता हूँ, मतलब मैं इस तरह से, ये देखिए ये मैं यहाँ से इसको मेजर कर लिया ये, और ये दो पॉइंट जो मैं ऊपर से लाया था, कौन से वाले, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट जो मैं लाया था, इन दोनों के जो प्रोजेक्टर हैं उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, मतलब देखिए ध्यान से देखिए फिर से, यहाँ से इतना मेजर किया और यहाँ से इतना मेजर करने के बाद मैंने क्या करा, ये यहाँ पर कट कर लिया इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पर कट करता हूँ तो मेरे पास एक लेंथ आ जाती है, इस तरह की एक लेंथ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर एक लेंथ ड्रॉ कर दी, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पर मिला दिया। अब ये प्लेट अपने आप ही टिल्ट हो गई, अब और क्या किया, इसका एंगल भी आ गया, आप देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है, ये एंगल यहाँ पे फाई लिख देता हूँ, फाई मुझे नहीं पता कितना है लेकिन ये आ गया एंगल। अब मैं डिवाइडर की मदद से यहाँ पर, इस डिवाइडर की मदद से ये वाले पॉइंट मेजर कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट और यहाँ रखा और इस तरफ कट कर दिया, इसी प्रकार इसी डिवाइडर को यहाँ से टिल्ट किया और यहाँ से इसको कट कर दिया, या फिर छोटा छोटा मेजरमेंट भी कर सकते हो आप, यहाँ से इतना लेके इधर टर्न, यहाँ से इतना लेके इधर सेंटर पॉइंट ले लिया, यहाँ से इतना लेके इस पर, तो इस तरह से आपके सारे पॉइंट आप इस पर मार्क कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए और साथ में इनके नॉमिनेचर भी कर दिए, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, बी एच हो गया और ये आपका सी जी हो गया और ये आपका डी एफ हो गया, ये डी और ये एफ और लास्ट में आपका हो गया यहाँ पर ई। इस तरह से थीटा जो एंगल है वो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया, पर मुझे पता नहीं कितना है, ये वीपी का एंगल होगा, हम इसको निकालना होगा, हमको हम नापेंगे इसको कितना है। अब इतना करने के बाद इस पे सारे पॉइंट जो मैंने ट्रांसफर किए थे यहाँ पे, ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट को मैं यहाँ से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सारे पॉइंट यहाँ से इधर इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ से इधर प्रोजेक्टर की सहायता से इधर ले आता हूँ, ऊपर के भी लिया है। अब देखेंगे आप यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये देखिए, ये
ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ए और ए डैश, ए और ए डैश जहां मिल रहा है ये पॉइंट आया, दिस इज कॉल्ड ए वन डैश। बी और बी डैश जहां पॉइंट आया ये आपका बी वन डैश। सी और सी जहां सी, ये सी है और ये सी डैश जहां मिल रहा है उसको हम बोलेंगे सी वन डैश। डी वाला और डी डैश ये जहां मिलेगा उसको डी वन डैश। ई और ई जहां मिलेगा उसको बोलेंगे ई वन डैश। एफ और एफ जहां मिलेगा उसको बोलेंगे एफ वन डैश। और जी को बोलेंगे जी वन डैश, जी और जी। और लास्ट में ये जो पॉइंट आया दिस इज योर एच वन डैश, क्योंकि ये एच और ये एच डैश दोनों यहां पर मिल रहे हैं। इस तरह से हम सारे पॉइंट को यहां पर मार्क कर सकते हैं, और मार्क करने के बाद इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरे ड्रॉ करिएगा जिससे कि एकदम स्मूथ आ जाए। देखिए इस तरह से एलिप्स आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब एलिप्स में आपने देख लिया होगा यहां पर कि ये जो लेंथ है ये कितने की है, 30 की है, और ये जो है कितने का है, ये 50 का। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया। अब जो नेक्स्ट केस बोलता है, उसके नेक्स्ट केस में बोलता है वो कि ये जो इसकी मेजर एक्सिस है, ये वाली, ये जो मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस मतलब ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली है, ये जो मेजर एक्सिस है, दिस इज मेजर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस को मुझे यहाँ पर, ये अभी किसी वर्टिकल है तो इसको मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करना है। तो अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को ऐसे ट्रीट कर दूंगा, तो जो लेंथ यहाँ पर है मेरी, जो लेंथ यहाँ पर है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, जो वर्टिकल है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये लेंथ में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये वाला जो डायग्राम है मैंने क्या करा, सेंटर लाइन को आगे प्रोजेक्ट कर लिया, यहीं से सेंटर लाइन को यहाँ से ऐसे करके आगे प्रोजेक्ट कर लिया। देखिए इस तरह से आगे प्रोजेक्ट करने के बाद डिवाइडर की मदद से, देखिए यहां से मैं इसको ले लेता हूँ, ये इसकी मेजर एक्सिस ले ली, और मेजर एक्सिस लेने के बाद मैंने यहां से इसको कट कर दिया, राइट। दो पॉइंट आ गए मेरे पास, मतलब ये मैं इसको इस तरह से टिल्ट किया हूं, तो इसका नाम हो गया दो पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया, पॉइंट ये हो गया सी वन डैश और ये जी वन डैश। अब सेंटर लाइन, इस पर सेंटर एक मार्क करता हूं, इस लाइन का सेंटर ले लेता हूं, और सेंट्रल लाइन लेने के बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से सेंटर पे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां से मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया, ये ए वाला डिस्टेंस, और ए वाला डिस्टेंस मेजर करने के बाद यहां रखा, और यहां रख के मैंने ये ए वाला डिस्टेंस को यहां मेजर किया, और नीचे भी आपको पता है जैसे कि नीचे की जो लेंथ है वो भी इसके बराबर ही है, तो मैंने क्या करा यही लेंथ यहां से इधर भी ले ली, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों एक जैसी है, तो मैंने इसको यहां से शिफ्ट करके यहां ले लिया। तो मेरे पास दो पॉइंट और आ गए, ये देखिए दो पॉइंट और मैं यहां पर आपके लिए ड्रॉ कर दिया। अब मुझे और चार पॉइंट और लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट आया वो आपका आ गया ए वन डैश, सी वन डैश और ई वन डैश, और लास्ट में मेरे पास एक पॉइंट और आया वो है जी वन डैश। अब मैं बाकी पॉइंट कैसे ट्रांसफर करूंगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां से डिवाइडर की मदद से ये वाले पॉइंट मेजर करिए, ये वाले जो पॉइंट जो यहां से ट्रांसफर हुए थे, मतलब आप देखेंगे कि वो यहां से ट्रांसफर हुए थे, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, और इसी प्रकार जो यहां से ट्रांसफर है वो वाले, ये वाले जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को मैं यहां से मेजर करता हूं। कैसे, देखिए यहां से मैंने सबसे पहले इस पॉइंट को मेजर किया, ये वाले पॉइंट को, मतलब ये वाले पॉइंट को मैंने मेजर किया और यहां से इस तरफ कट कर लिया। जैसे मैं कट करता हूं तो मेरे पास एक पॉइंट यहां आता। अब चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक जैसी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी मार्क कर लिया, मतलब ये वाला पॉइंट, तो मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाता है, मेरे पास दो पॉइंट आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इस पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन डाल लेता हूँ इस तरह से, और ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से, यहाँ पर जो पॉइंट लिया था मैंने, इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इसी तरह से जैसा मैंने इनको मेजर किया था, तो ऐसा मैं इनको भी मेजर कर लेता हूँ, ये वाले पॉइंट को, ये वाले और ये वाले पॉइंट को माइनर एक्सिस में। तो मैंने ये मेजरमेंट किया छोटा वाला, ये और ये मेजरमेंट एक जैसा है, तो मैंने ये वाले मेजरमेंट को, चूंकि हॉरिजॉन्टल है, तो मैं यहाँ जाके इसको वर्टिकल बनाऊंगा, तो ये वर्टिकल जब मैंने बनाया यहाँ पर, तो ये यहाँ कट गया, और इसी को यहाँ पर लिया, तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब है कि दो पॉइंट मेरे यहाँ पर भी आ गए,
जैसे इन पॉइंट को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया था, तो ये वाले जो पॉइंट है इनको मैंने नीचे ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए एकदम मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये वाले जो पॉइंट थे इनको मैंने यहाँ ट्रांसफर किया है इधर और इधर, और दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मैंने इनको इनको मेजर किया, ये वाले और ये वाले पॉइंट को मेजर किया है, और ये पॉइंट मेजर करने के बाद इसको यहाँ काटा और यहाँ का, चूँकि ये हॉरिजॉन्टल था तो इसको वर्टिकल ले लिया, और इसके ऊपर यहाँ पर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मेजर इन प्रोजेक्ट कर दी इस तरह से। यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये इस पॉइंट की वर्टिकल लाइन है और इन पॉइंटों की हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहाँ पर भी कट कर रही है उन पॉइंटों को मैंने मार्क कर दिया। मतलब ये जो पॉइंट मेरे पास आए हैं वो ये वाले पॉइंट आ गए, ये चार पॉइंट, और मैंने यहाँ पर ट्रांसफर, ये बहुत सिंपल सी मेथड है ट्रांसफर करने की पॉइंट्स। और यहाँ जैसी पॉइंट है, अब चूंकि ये ए था, ये वाली लाइन जो थी इसकी, ये तो आपकी ए थी, तो ये वाला हिस्सा हो गया ए, बी डैश, बी वन डैश, सी वन डैश, डी वन डैश ये वाला, और ये एफ वन डैश, जी वन डैश, और ये वाला जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा एच वन डैश। सारे पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं, इनको सबको मुझे मिलाना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा धीरे धीरे मिलाइएगा, क्योंकि ये आपको फ्री एंड मिलाना पड़ता है। अगर आप कैसे फ्रेंच करो तो फ्रेंच कर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लिया। ये आपका ओ पॉइंट था, ये भी आपका ओ पॉइंट है सेंटर का, ये भी आपका ओ पॉइंट है। अब मैं यही सारे पॉइंट्स नीचे की ओर लाता हूँ, सारे पॉइंट प्रोजेक्टर की मदद से मैंने नीचे लिए। इस तरह से मैं सारे पॉइंट यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। और इस जगह से, ये वाला जो डायग्राम था, इस जगह से जो मैंने पॉइंट मार्क कर रखे थे यहाँ, जितने ही पॉइंट्स इनके प्रोजेक्टर में हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरा ई का प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल, ये मेरा डी एफ का प्रोजेक्टर, और ये मेरा सी जी का प्रोजेक्टर। सारे के सारे प्रोजेक्टर मैंने यहाँ पर इस तरह से ले लिए, और लास्ट जो बचा मेरा ये बी और एच का प्रोजेक्टर। अब आप देखेंगे फिर से कि यहाँ पर जब मैंने इस तरह से ये जब मैं बनाया हूँ यहाँ पर, तो अब इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं। ये आपका ए है और ये ए डैश है, ए और ए डैश जहाँ मिलेगा ये जो पॉइंट आएगा ए वन, बी और बी वन डैश जहाँ मिलेगा उसका नाम होगा बी वन, सी और सी जहाँ मिलेगा उसका नाम है सी वन, और ये आपका डी और डी मिलेगा तो डी वन, और ये ई और ई मिलेगा तो ई वन, एफ और एफ मिलेगा तो एफ वन, और ये जी वन डैश और जी मिलेगा तो जी वन, और एच मिलेगा, एच ऊपर से एच आएगा एच वन डैश, तो ये मिलेगा एच वन। इस तरह से आपके पास आठ पॉइंट आएंगे, क्योंकि मैंने इसके आठ डिवीजन किए थे यहाँ पर, इसीलिए इसके आठ पॉइंट। अब इन आठों पॉइंट को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ इस तरह से। यहाँ मैं बॉल पेन का उपयोग कर रहा हूँ, आपको शीट पे जब ड्रॉ करना है तो ये टू एच पेंसिल से ड्रॉ करना होगा। इस तरह से डायग्राम आपके पास आ जाएगा। ये एक एलिप्स यहाँ पे भी दिखेगा आपको, ये एलिप्स थोड़ा सा अलग एलिप्स है, ये भी अलग है, ये अलग है। ये वाला जो एलिप्स है 50 और 30 का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है। ये जो आपने ड्रॉ किया है यही हमें उस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करना था कि एक एलिप्स, एक सर्कुलर प्लेट है जो फ्रंट के अंदर, एक सर्कुलर प्लेट है जो फ्रंट के अंदर, उस प्लेट को, एक सर्कुलर प्लेट को वीपी से इतना टिल्ट करो कि फ्रंट से देखने पर क्या दिखे, यहाँ पर एलिप्स दिखे। फ्रंट से देखने पर वो एलिप्स कितना होना चाहिए, 50 mm मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस कितना होना चाहिए 30 mm का, और उसको हमने टिल्ट किया तो एंगल हमने निकाल लिया, एंगल जो है वो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी जो मेजर एक्सिस है थर्ड केस में, उसको हमको हॉरिजॉन्टल करना था, तो हमने सारे पॉइंट जहाँ पर वर्टिकल थे उसको ऐसे लेके ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिए, और जो वर्टिकल पॉइंट थे उनको सबको यहाँ पे दे। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे जो ए था वो जैसे ही इसे टिल्ट हुआ तो ए डैश ऊपर आ गया, ई डैश नीचे आ गया, और ये जो इस तरह से पॉइंट था इसको इस तरफ टिल्ट किया तो सी वाला इधर आ गया और जी वाला इधर आ गया। इस तरह से मैंने सारे पॉइंट यहाँ शिफ्ट करे, इनके बीच में ट्रांसफर नहीं किए, इसको मैंने सिर्फ शिफ्ट किया, शिफ्टिंग करी इस डायग्राम को, मतलब इस डायग्राम को यहाँ से मैंने शिफ्ट किया, इसलिए यहाँ पर कोई इनके बीच में प्रोजेक्टर नहीं है। फिर इसके प्रोजेक्टर सारे नीचे लाए, इधर से इधर लाए, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आए मेरे पास वो इंटरसेक्शन से एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया। दोस्तों थोड़ा सा इसमें फ्लो अलग था, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फ्लो क्या था उसको मैं बना देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट डायग्राम था और ये मेरा सेकेंड डायग्राम था, चूँकि हमारा जो अभी तक के क्वेश्चन है उसमें थर्ड डायग्राम ये होना चाहिए, लेकिन अभी थर्ड डायग्राम ये वाला हो गया, और फोर्थ डायग्राम ये वाला हो गया।
फिर फिफ्थ डायग्राम हमारा ये वाला हो गया और सिक्स डायग्राम हमारा ये। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन का फ्लो कैसा हुआ, इस तरह से नीचे आया फिर वापस ऊपर गया फिर नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसमें सरफेस का इंक्लिनेशन ये जो फाई है ये सरफेस का इंक्लिनेशन नहीं दिया था, उसको हमको फाइंड आउट करना था और इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ही उसने इसको उसने इस क्वेश्चन में ये बात बोली कि इस प्लेट को इतना इंक्लाइन करो कि उसका फ्रंट व्यू क्या दिखना चाहिए, एलिप्स दिखना चाहिए। इसलिए पहले मैंने एलिप्स बनाया फिर इसको नीचे ट्रांसफर करके यहाँ से इतना मेजर करके इसको कट लगाया, सारे पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिए, सारे पॉइंट शिफ्ट करके इसको ऊपर टिल्ट किया, इसको इधर से इंक्लाइन किया, तो इंटरसेक्शन जो है उस इंटरसेक्शन से मैंने पॉइंट बना दिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने इसको शिफ्ट करा। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन ये परीक्षा में बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको वीडियो अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे और अच्छा ड्राइंग करेंगे। ये सर्कल्स बनाने के लिए जितने भी मैंने सर्कल बनाए उसके लिए डिवाइडर इस्तेमाल करिए, और जो एलिप्स बनाए हैं उसके लिए आपको फ्री हैंड इस्तेमाल करना, फ्री हैंड हैंड से बनाना पड़ेगा या फिर आप फ्रेंच कर्व की मदद से बना सकते हैं। और पूरी डायग्राम के लिए 2H पेंसिल का इस्तेमाल करिए। जो प्रोजेक्टर्स आप खींच रहे हैं ये ओरिजिनल ड्राइंग से थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, और नॉमिनेचर हमेशा करिए, नॉमिनेचर जितने भी फ्रंट है उसको सबको डैश इंडिकेट करिए, जो टॉप व्यू है उसको विदाउट डैश इंडिकेट करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, इसको आप ड्रॉ करिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को बताएं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।